दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले आलिया भट्ट स्टार और जिगरा के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रनिंग टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी 2 घंटे 33 मिनट लंबी है। और साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को इंडिया भर से 2000+ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ओवरसीज से इस मूवी को 700+ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी को टोटल दुनिया भर से 2700+ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों इस मूवी का बजट 90 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी ने फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन किया 4 करोड़ 30 लाख रुपए का। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया 5 करोड़ 40 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने ओवरसीज कलेक्शन किया है लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी को टोटल एक दिन को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 7 करोड़ 20 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी अपने सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली लगभग 7 से 9 करोड़ के रेंज में। क्या दोस्तों आपने भी आलिया भट्ट की मच अवेटेड मूवी जिगरा देखी है? नहीं कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों आपने भी इस मूवी को देखा है तो इस मूवी को 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों जिस तरह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है, उस हिसाब से मूवी आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिगरा आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप, कमेंट में जरूर बता देना।